Assalamu alaikum and welcome to Zaions.com. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप विंडोज में अपने XAMPP में XAMPP के सॉफ्टवेयर में वर्डप्रेस किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं, कि विंडोज में आप लोकली वर्डप्रेस किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि आप लोकली वर्डप्रेस की डेवलपमेंट कर सकें। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि विंडोज में आप XAMPP को किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप उस XAMPP के सॉफ्टवेयर को जो हमने इंस्टॉल किया था लास्ट टाइम उसके उसमें वर्डप्रेस किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। तो XAMPP टेस्ट करने के लिए कि XAMPP आपका इंस्टॉल हो चुका है कि नहीं, आप XAMPP को स्टार्ट करेंगे और उसकी अपाची की सर्विस को स्टार्ट करेंगे और माई एसक्यूएल की सर्विस को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे गूगल क्रोम में आने के बाद लोकल होस्ट लिख के सर्च करेंगे। अगर आपका ये पेज ओपन हो जाए तो मतलब आपका XAMPP इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद जो हमें चाहिए होता है XAMPP, सिर्फ हमें उसके SQL के लिए चाहिए होता है और अपाची हमें PHP को चलाने के लिए चाहिए होता है, क्योंकि PHP सर्वर साइड लैंग्वेज है तो इसके लिए हमें एक सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है। तो MySQL के लिए हमें SQL की सर्विस चाहिए होती है, जो दोनों ही सर्विस हमें XAMPP के ज़रिए मिल जाती है। अब WordPress को चलाने के लिए सबसे पहले हम WordPress डाउनलोड करना होगा, तो आप क्रोम के एक नए टैब में आके गेट वर्डप्रेस लिख के एंटर करें और ये दूसरी साइट होगी wordpress.org डाउनलोड, इस पर क्लिक कर दें और ये फर्स्ट ऑप्शन ही क्लिक कर दें, डाउनलोड वर्डप्रेस, जो भी आपका वर्जन हो उसको डाउनलोड कर लें और ये यहाँ पे आपका वर्डप्रेस डाउनलोड हो जाएगा। इसको क्लोज कर दें और ये वर्डप्रेस डाउनलोड होने का वेट करें। जब आपकी ये डाउनलोडिंग कम्प्लीट हो जाए आप डाउनलोड्स के फोल्डर में आ जाएँ, जहाँ पर भी ये फाइल डाउनलोड हुई है। फाइल को देखने के लिए फाइल कहाँ पे डाउनलोड हुई है, यहाँ पे इस आइकॉन पे क्लिक करें और यहाँ पे आपका विंडोज़ में आ रहा होगा शो इन फोल्डर, इस पर क्लिक कर दें, ये आपको फाइल के पास ले जाएगा। यहाँ से फाइल को कॉपी कर लें, कंट्रोल सी, विंडो में कमांड है कंट्रोल सी, इसको कॉपी कर लें और फिर जहाँ पे आपने XAMPP को डाउनलोड किया हुआ, जहाँ पे हमने XAMPP का फोल्डर बना के उसको XAMPP को इंस्टॉल किया था, उस फोल्डर में आ जाए, XAMPP के फोल्डर में आ जाए। XAMPP के फोल्डर में आने के बाद वहाँ पे चौथा या पांचवा फोल्डर होगा htdocs का, उस पर क्लिक करके उसमें आ जाए। htdocs पे आने के बाद यहाँ पे एक आप नया फोल्डर बना लें wp का एक फोल्डर बना लें। wp का फोल्डर क्यों बनाना है, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा वर्डप्रेस की वेबसाइटें बनाएंगे तो ये बेहतर एक तरीका होता है कि आप एक wp का फोल्डर बना लें और उसमें सारी अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइटें रखें। आपने क्या करना था, अपने XAMPP के फोल्डर में आना था, जहाँ पे भी आपने XAMPP इंस्टॉल किया हुआ है। XAMPP के फोल्डर में आने के बाद आपने htdocs के फोल्डर में आना और वहाँ पे आने के बाद एक wp का फोल्डर बना लेना है और यहाँ पे आपने वो जो फाइल हमने डाउनलोड की है वर्डप्रेस की, ये वाली, इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट हेयर, आपका विंडोज़ में आधा होगा राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट हेयर। अगर आपको एक्सट्रैक्ट हेयर ना आधा हो, क्योंकि ये zip की फाइल है तो हमें इसके लिए WinRAR रिक्वायर्ड होता है। आप गूगल क्रोम में आएंगे और लिखेंगे WinRAR और पहली वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर लेंगे विंडोज़ के लिए। डाउनलोड करने के बाद आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो फिर ये फाइल आपको, जब आप इंस्टॉल करने के बाद इस फाइल पे आके राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आ रहा होगा विंडोज़ में। मेरा क्योंकि मैक है इसलिए यहाँ पे एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा। आप उसको एक्सट्रैक्ट हेयर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसकी फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। मैं इस पर डायरेक्ट राइट डबल क्लिक करूँगा तो ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास ये फोल्डर आ जाएगा वर्डप्रेस का, आपको बस ये वर्डप्रेस का फोल्डर आप इसको रीनेम कर लें जो भी आप करना चाह रहे हैं। मैं इसको wp-learn के साथ रीनेम कर लूँगा और उसके बाद आपने गूगल क्रोम में आ जाना है और यहाँ पे लिखना है localhost/wp और आप देख सकते हैं कि हम इस फोल्डर में आ गए हैं। यहाँ पे हमारे पास दो फाइलें थी, एक वर्डप्रेस की zip फाइल थी और एक ये फोल्डर था wp-learn का। आप देख सकते हैं ये दोनों फाइलें यहाँ पर मौजूद हैं। ये क्या हुआ है कि जब हम लोकल होस्ट लिखते हैं तो हमें ये htdocs के फोल्डर में ले आता है और उसके बाद जो हमारा आगे फोल्डर होता है, जिस भी फोल्डर में हमारा वर्डप्रेस पड़ा हो, हमने बस उस फोल्डर का नाम ये लोकल होस्ट के बाद स्लैश लिख के उस फोल्डर का नाम लिखना होता है, तो ये हमें उस फोल्डर में ले आता है।
हम इस फोल्डर में आने के बाद, क्योंकि हमारा वर्डप्रेस इस डब्ल्यू पी लर्न में पड़ा हुआ है, हम इस पर क्लिक करेंगे। विंडोज़ में इस ऑप्शन से पहले आपसे पूछा जाएगा कि आप इसकी लैंग्वेज क्या रखना चाह रहे हैं। आप इंग्लिश को ही सिलेक्ट रहने दो जो बाई डिफॉल्ट सिलेक्ट हो, और नेक्स्ट यहाँ पे करके नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, आप उसको क्लिक कर लें। उसके बाद आप इस स्क्रीन पर आ जाएंगे। इस स्क्रीन पर ये आपको बता रहा है कि आपको एक डेटाबेस रिक्वायर्ड है। उस डेटाबेस का नाम आपको रिक्वायर्ड है, यूज़र नेम रिक्वायर्ड है, पासवर्ड रिक्वायर्ड है और होस्ट रिक्वायर्ड है। आप कहते हैं लेट्स गो पे क्लिक कर दें। उसके बाद आपने आना है इस एक नए टैब में आ जाना है, लोकल होस्ट लिखना है और /phpMyAdmin लिखना है। आप अगर आपको ये याद ना रहे तो आप सिर्फ लोकल होस्ट पे आ जाएं और उसके बाद ये phpMyAdmin लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर दें। ये आपको इस पेज पे ले आएगा। उसके बाद आपने इस न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू इस ये हम एक नई डेटाबेस बना रहे हैं। यहाँ पे जो भी आपने अपनी डेटाबेस का नाम रखना है वो लिख दें। मैं अपनी डेटाबेस का नाम रखूँगा डब्ल्यू पी लर्न और बाद में क्रिएट कर दें। इस नाम को कॉपी कर लें और क्रिएट। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नई डेटाबेस बन गई है। उसके बाद आप वापस इस यहाँ पे आ जाएं जहाँ पे वो वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है, और यहाँ डेटाबेस नेम की जगह ये जो आपने अपनी डेटाबेस का नाम रखा था उसको यहाँ पे लिख दें। और जो अगर आपने विंडोज़ में XAMPP इंस्टॉल किया और कुछ भी चेंज नहीं किया, तो जो आपका यूज़र नेम होगा वो हमेशा रूट होगा, ROOT रूट, और जो आपका पासवर्ड होगा वो खाली रहेगा, वो कुछ भी नहीं होगा, पासवर्ड नल। तीसरा ऑप्शन यही देगा लोकल होस्ट, इसको WP_ ही रहने देंगे और सबमिट। नेक्स्ट करने के बाद आपको ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है। ये आप जो आपकी वेबसाइट का नाम होगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये बाद में चेंज हो जाएगा, इसकी कोई टेंशन नहीं है। आप यहाँ पे अभी कुछ भी लिखें, बाद में ये यूज़र नेम आपसे एक मांगेगा। ये बहुत ज़रूरी है और मैं आपको रेफर करूँगा कि आप इसे admin ही रहने दें। इस नाम को आप किसी भी नोटपैड में कॉपी कर लें। उसके बाद ये आपसे पासवर्ड पूछेगा। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप तो नाम भी एडमिन ही रहने दें स्टार्ट में, और पासवर्ड भी एडमिन ही रहने दें। ये बाद में चेंज हो जाते हैं, तो स्टार्टिंग में आप इसको एडमिन ही रहने दें। आप इस बॉक्स को चेक कर दें, कन्फर्म यूज़ ऑफ वीक पासवर्ड, और यहाँ पे अपनी ईमेल दे दें। ये ईमेल किस वक्त यूज़ होगी, अगर आपको ये यूज़र नेम और पासवर्ड याद नहीं आ रहा, आप वहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो इस ईमेल को आपको वहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे आपकी ईमेल मांगेगा। वो ईमेल ये वाली ईमेल है जो आपने यहाँ पे लिखी होगी। यहाँ पे आप कोई भी अपनी ईमेल लिख लेंगे, जो भी आपकी ईमेल होगी। मैं अभी यहाँ पे कोई भी डेमो से ईमेल लिख दूँगा, और बाद में आप इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर देंगे। ये ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है, यूज़र नेम लिखना है, ये याद रखना है, पासवर्ड लिखना है, ये भी याद रखना है, कन्फर्म यूज़ ऑफ वीक पासवर्ड लिख देना है, और यहाँ पे अपनी ईमेल लिख देनी है और इंस्टॉल वर्डप्रेस कर देना है। उसके बाद आप इस स्क्रीन पे आ जाएंगे सक्सेस की। इसका मतलब है कि वर्डप्रेस आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। अब आप वापस इस टैब में आएँ और अब इस डेटाबेस पर अगर क्लिक करेंगे, ये मैं आया हूँ लोकल होस्ट phpMyAdmin में वापस, और अगर आप अपनी डेटाबेस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा टेबल्स बन चुके हैं। अब ये देखें, हर एक टेबल के पहले लिखा हुआ है WP_, तो ये वो वाला टेबल प्रीफिक्स है जो मैं आपको बता रहा था कि हर एक टेबल के नाम से पहले ना वो लिखा जाएगा, तो आप उसको कुछ और भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आके आप लॉगिन पे क्लिक कर दें, ये आपको अपने ले आएगा वेबसाइट के WP_admin में। यहाँ पे आपको वो यूज़र नेम लिखना होगा जो आपने रखा होगा। मैंने रखा था एडमिन, तो मैं एडमिन ही लिखूँगा, और साथ में पासवर्ड लिखना होगा, मैंने वो भी एडमिन रखा तो मैं एडमिन लिखूँगा। और आप यहाँ पे क्लिक करते हैं रिमेंबर मी, ताकि ये पासवर्ड आपको बार बार लिखना ना पड़े। लॉगिन पे क्लिक करेंगे और ये आप अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट के डैशबोर्ड में आ जाएंगे। अगर आप इस डैशबोर्ड में आ जाते हैं तो विंडोज़ में सक्सेसफुली वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया, और अब आप वर्डप्रेस पे डेवलपमेंट लोकली कर सकते हैं। तो ये तरीका था कि आप विंडोज़ में XAMPP के ज़रिए अपने लोकली वर्डप्रेस को किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो में कोई भी मुश्किल आई होगी तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछें, मैं उसका जवाब दूंगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।